अभी चौधरी, उन्होंने कहा वो लोग आएंगे तो वहां लोग की भंडार देंगे। देखिए, वादे तो बहुत लोग करते हैं लेकिन पूरा करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग जो हमारा पार्टी है, टीएमसी पार्टी है, उन्होंने पहले काम किया है उसके बाद वादे किए हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है। वादा करना और वादों को पूरा करना आसान काम नहीं होता है, लेकिन टीएमसी पार्टी ने और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जो काम किया है ग्राउंड लेवल पे, जो गरीबों के लिए काम किया है, उसकी बहुत तारीफ करनी होगी, सराहनीय है वो। क्योंकि देखिए, इनके लिए जो 1000 रुपीज था एससी के लोगों को बढ़ा के 1200 रुपये कर दिया, जो 500 रुपये थे उसका 1000 रुपये किया, और साथ साथ में जो दूसरी जो स्कीम होती है जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए, वो एक टाइम में 25,000 रुपये उनको दिए जाते हैं कि उसको ग्रेजुएशन के लिए भी उसको आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने की है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो राशन होता है वो भी फ्री में उनको दिया जाता है, राइस गेहूं, तो वो बहुत जरूरी होता है एक घर घर चलाने के लिए, एक लेडीज के लिए वो बहुत जरूरी होता है कि उसको राशन भी अगर गवर्नमेंट देती है तो बहुत आसरा हो जाता है। दूसरी जो चीजें है घर चलाने के लिए, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है कि दो टाइम पे अगर खाना अच्छे से मिलता है तो दूसरी चीजें आसान हो जाती है घर चलाने के लिए, तो ये सारी चीजें भी की है। तो हम लोग कटिबद्ध है ये सारी चीजें करने के लिए, काम करने के लिए। हम सिर्फ वादे नहीं, वादे पूरा करना भी जानते हैं। अभी भी पक्का मकान सड़क, इसी के साथ आज जो मीटिंग किया यहाँ का महिलाओं का, और मैंने उनको यही आश्वासन दिया है कि जीतने के बाद पहले उनका काम होगा। मैंने उनके जो समस्या है उनको भी सुना, और यहाँ पर जो लीडर बैठे हैं उनसे समझा भी कि क्या डिफिकल्टीज है। तो मैंने उनसे यही वादा किया है कि मैं जीतने के बाद आऊंगा और पहला काम उनके लिए जो समस्या उनकी है वो समस्याओं को मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। और मेरे परिवार का कोई हिस्सा या मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर डिफिकल्टी फेस करता है, मतलब मैं डिफिकल्टी वो फेस करता हूँ, तो ये मेरा परिवार है और उनके लिए मैं जरूर जो भी हो सकेगा मैं उनके लिए काम करता हूँ, ये प्रॉमिस मैंने उन्हें दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ये महिला के लिए के बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, उनके लिए जो भी काम हुए है बहुत अच्छे काम हुए है, और मेरा यही वादा है कि मैं यहाँ पे जीतने के आने के बाद उनके लिए जो समस्याएं है उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। ममता बनर्जी ने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी कर रही है और आगे भी वो करती रहेंगी। इसको लेके उनकी सोच बहुत अच्छी है, मैंने उनसे यही वादा किया अगर जो भी तकलीफें है उनको जीतने के बाद आएंगे हम और वो तकलीफों को दूर करेंगे, और ये मेरा वादा है आपसे भी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।